एक्शन। ग्लास क्लोज, बहुत लोगों को निराश नहीं होने देगी। एंड एक्शन कंटिन्यू। हम बोलते रहिए आप। हाँ एक्शन, क्या चाहते तू? एंड रोना नहीं, हाँ हाँ जोड़ना ले लो, एक हाथ चुके नहीं लीजिए। शॉर्ट के बाद तो मेरे काम भी नहीं कुछ और। रेडी? हाँ भाई बस बहन है मेरी। राइट रोल एंड एक्शन। लो खुशी टेक टेक जीने दे उसे। अकबर वो हमसे दूर चला गया, क्या चाहती से बाहर फ्लैश सोच रही है, फ्लैश से बाहर आई, चार नहीं कंट्रोल हुआ। बहुत सारे इमोशनल सीन्स आ रहे हैं, उसके लेकर क्या कहना चाहिए? पहले तो इमोशनल नहीं होंगी, पहले तो मैं सबको बताना चाहूंगी हैप्पी न्यू ईयर। इमोशनल तो यहाँ पे हूँ। हाँ अनु के लाइफ में बहुत मतलब इमोशनल चीजें हो रही है, क्योंकि रजत घर छोड़ के जा रहा है अनु से दूर। उसको लगता है कि उसके उससे दूर जाने में अनु की खुशी है, तो वो जा रहा है। अनु चाहती हुई रोकना, पर उसकी मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट, एक ईगो जो होता है ना, उसको रोक रहा है। तो वो चाहती है कि उसको रोक ले, पर नहीं कर पा रही। ऐसे ही मतलब कश्मकश में है अनुष्का, तो इसलिए वो रो रही है। जैसे देख रहे हैं कि रजत की मम्मी भी आपको चला रही है उसके। हाँ वैसे वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि उसके उनके बेटे को बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। उनको लगी रहा ये सब, अगर मैं नहीं होती तो शायद रजत की लाइफ में इतना ज़्यादा वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता। तो वो अपनी जगह सही है, मैं भी अपनी जगह सही हूँ। बार बार ना चाहती हूँ भी आप रजत की लाइफ में आ रहे हैं, कहीं कुछ कभी कपड़ा निकालते हुए डालते हुए, कभी छत पे, कभी क्या, कब प्यार और भी आगे बढ़ पाएगी? क्या लगता है? ये तो राइटर जाने भगवान जाने क्या होने वाला है। छत पे कपड़े कभी सुखाने आते हैं, कभी क्या करने आते हैं। वैसे वैसे पॉइंट तो उनकी सही है, जब भी रजत आता तब मैं बाहर। इंटेंशनली नहीं है, कोइंसिडेंसली हो जाता है। जैसे देख रहे कि रजत को अपनी जॉब पे मिल गई है, सब बैक टू पवेलियन हो गया है फिर, बट आप लोगों की लव स्टोरी आगे नहीं बढ़ रही है, तो उसको लेकर क्या चाहिए? लव में ज्यादा जितना ज्यादा पेन होगा उतना ज्यादा टिकेगा। आपका मानना है कि प्यार में बहुत जरूरी है, नहीं तो प्यार नहीं बढ़ता। प्यार का जो रिश्ता है बहुत खट्टा मीठा रिश्ता होता है, तो उसमें ये सब चीजें चाहिए होती है। और कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस से? ऑब्वियसली आप लोग शास्त्री सिस्टर्स देख रहे हो, और भी ज्यादा प्यार दीजिए हमें, और नए साल में ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर, लव यू ऑल, थैंक यू।